हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं आज के नए वीडियो लेक्चर में। और आज का जो वीडियो लेक्चर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, सभी में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं इंग्लिश में। अब की बात जो सीबीएसई का एग्ज़ाम होगा इंग्लिश का, उसमें कम से कम 5 से 6 नंबर के ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। और वो आज जो टॉपिक हम लेके चल रहे हैं वो टॉपिक है आपका रिपोर्टिंग, जिसको हम कहते हैं नरेशन कहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कई नाम से इसको जानते हैं। और दोस्तों, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता, कुछ कंसेप्ट होते हैं वे कंसेप्ट क्लियर करेंगे और उनके साथ साथ कुछ बेसिक जो हमारे रूल्स होते हैं उनको समझेंगे। और जो ये बेसिक रूल्स होते हैं इन्हीं से ही हम सभी जो सेंटेंस होते हैं उनको कर लेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट। और मैं वादा करता हूँ दोस्तों, अगर आप मेरे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहे और आपने मेरा साथ दिया, तो आज हम जरूर इसको क्लियर कर देंगे जो हमारे बेसिक कंसेप्ट है, और हम जरूर इनको सीख कर जाएंगे। तो आओ दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम समझते हैं कि ये रिपोर्टिंग होती क्या है। रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग का मतलब होता है किसी बात को कहना, सूचना करना। तो इंग्लिश में रिपोर्ट करने के दोस्तों दो तरीके होते हैं, पहला होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। पहला क्या होता है आपका? डायरेक्ट स्पीच, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। जो डायरेक्ट स्पीच होता है, इसमें जो स्पीकर होता है वो बात को बिल्कुल सीधे तरीके से कहता है, उसमें अपनी तरफ से कोई वर्ड नहीं जोड़ता। जैसे उसने बात को सुना ऐसी ही वो बात को सामने वाले को बता देता है, अपनी तरफ से कुछ भी उसमें नहीं जोड़ता। इसको कहते हैं हम डायरेक्ट स्पीच। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल। ये हमने एग्जाम्पल लिया, इसने इस बात को डायरेक्ट वे में कहा। इसमें कहा, इसने इस बात को डायरेक्ट वे में कहा। तो इसकी दूसरी पहचान ये भी होती है दोस्तों कि इसमें आपके दो सेंटेंस होते हैं, कह सकते हैं दो क्लोज होते हैं, दो पार्ट होते हैं। ये जो बाहर वाला है, कोमे से बाहर वाला है, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? रिपोर्टिंग वर्ब। इसके बाद जो अंदर वाला होता है इसको कहते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। ये तो हो गया आपका डायरेक्ट स्पीच। अब आता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में इसी को ही, जब कोई स्पीकर किसी बात को सुनता है, सुनने के बाद उसे अपने शब्दों में चेंज करता है, अपने शब्दों में चेंज करके सामने वाले को अपने तरीके से रिप्रेजेंट करता है, उसको बताता है, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे न्यूज वाले होते हैं, ये क्या करते हैं, कोई न्यूज इनके पास आती है तो उसको बढ़ा चढ़ा के, नमक मिर्च मसाला लगा के जब हमारे सामने पेश करते हैं, तो वो उनका अपना तरीका होता है, उसको कहते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे इसको ही हम जब चेंज करेंगे तो कैसे होगा? ही टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल। ये बन गया हमारा इनडायरेक्ट। और सेंटेंस है, ही सेड टू मी You are not my friend now। ये एक हमारा सेंटेंस है, इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या है, जो ये कोमे से बाहर है इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो ये कोमे के अंदर है इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लोज, और इसको कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज। कहने की बात यह है फ्रेंड्स कि अगर आपका प्रिंसिपल क्लोज नहीं है तो यह भी नहीं होगा, ये इसी के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर ये नहीं है तो ये भी नहीं है, अगर ये है तो फिर ये भी है, इसके बिना इसका कोई इंपोर्टेंस नहीं होता। अब बात ये आती है कि इसको रिपोर्टिंग वर्ब क्यों कहते हैं, इसको रिपोर्टेड स्पीच क्यों कहते हैं, आखिर क्यों इसको रिपोर्टेड, इसको रिपोर्टिंग वर्ब क्यों नहीं कह देते, इसको रिपोर्टेड स्पीच क्यों नहीं कह सकते, इसको समझते हैं। एक वर्ड है हमारा रिपोर्ट, जिसका मतलब होता है सूचना,
और जब हम इसमें आईएनजी लगा देते हैं, लगातार हमारे पास कोई सूचना आती रहती है, तो वो क्या होता है, हमारा वर्ब होता है, वो काम होता है, वो एक्शन होता है। तो इसमें क्या हो रहा होता है, एक्शन। तो यहाँ पे हमें लगातार एक बात सुनने को मिल रही है कि उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे, अरे क्या कहा, यही तो नहीं पता चल रहा। जब ये कहेगा तभी तो पता चलेगा, जब ये स्पीच देगा हमको। अभी तो ये लगातार एक एक्शन कर रहा है, किस बात का एक्शन कर रहा है, ये किसी चीज को कहने का एक्शन कर रहा है अभी लगातार। तो आगे ये कहे नहीं, जब ये कहेगा तभी तो हमें पता चलेगा। तो यहाँ पे क्या, रिपोर्ट में आईएनजी लगा दिया, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अब रिपोर्टेड स्पीच क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसने अपनी स्पीच को दे दिया। क्या किया, इसने अपनी स्पीच को दे दिया। जब हम रिपोर्ट में ईडी लगाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, पास्ट हो जाता है, और पास्ट में हमारा वर्क डन हो जाता है। और यहाँ पर वर्क डन हो गया, और जब वर्क डन हो जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, ये स्पीच। तो स्पीच दिया तो काम कंप्लीट हो गया। तो इसने, उसने मुझसे कहा कि तुम मेरे अब मित्र नहीं हो, तो ये इसने अपनी बात कह दी, ये हमारा स्पीच हो जाता है। दोस्तों यहां तक आप स्क्रीनशॉट लेते हैं, जो पहला कंसेप्ट आता है वो ये आता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या पास्ट में हो तो क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में नो चेंज, मतलब कोई चेंज नहीं करेंगे। तो इसको एक बार समझ लेते हैं। इसने कहा है ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, और इस रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है, अगर ये आपका प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, तो हम क्या करेंगे, जो ये हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है, इसका जो टेंस है, इसके टेंस में हम चेंज नहीं करेंगे, बल्कि जो आपका प्रनाउन है, जैसे यू हो गया, माई हो गया, और आपके ये वर्ड्स है, इनमें चेंज करेंगे, सिर्फ टेंस में चेंज नहीं करेंगे। अगला रूल क्या कहता है, अगला हमारे जो कंसेप्ट है ये है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में हो, ये सॉरी ये है दोस्तों प्रेजेंट या फ्यूचर, किसमें हो, पास्ट में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को पास्ट में चेंज करें। तो ये क्या कहना चाह रहा है, पास्ट में चेंज करें, क्या कहना चाह रहा है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब है और इसका जो ये टेंस है, ये क्या हमारा टेंस है, ये किस में हो, हमारा पास्ट में हो, तो हमें क्या करना होगा, इसमें सारे में चेंज करना होगा। मतलब इसके ये तो चेंज होते ही है, साथ के साथ इसका टेंस भी चेंज होगा। अगर ये पास्ट है तो ये भी पास्ट में हमें बनाना पड़ेगा, अगर ये पास्ट है तो ये भी पास्ट, अगर ये प्रेजेंट है तो ये भी प्रेजेंट, ठीक है, अगर ये फ्यूचर है तो भी ये उसी टेंस में रहेगा जिसमें ये दे रखा है। ठीक है दोस्तों, इसको आप नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, और फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये टेंस हैं, ये आखिर चेंज कैसे होते हैं। तो हमारा जो रूल नंबर थर्ड आता है वो आता है चेंज इन टेंस, टेंस में चेंज कैसे आता है। तो इसको समझते हैं, एक तरफ हम लिखते हैं डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में अगर हमारे पास कोई टेंस है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे उसको समझ लेते हैं। इधर लिखते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच में पहला जो हमारा टेंस आता है वो आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर आता है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम इसको चेंज करेंगे किसमें, इसको चेंज करेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बात करते हैं इसका सेकंड, तो ये होता है आपका
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, और इसको हम चेंज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर भी होता है, इसमें प्रेजेंट में क्या होता है आपका इज एम आर होता है, और जहां पर इज एम आर होता है वहां पर हम क्या कर देते हैं वॉज और वर्ब में चेंज उसको कर देते हैं, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद हमारा तीसरे नंबर पे आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यदि इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसको चेंज करेंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में, इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे, जहां पर हैज हैव होता है वहां पर हम आपके आगे लेके आते हैं हैड लेके आते हैं, सब्जेक्ट प्लस जहां पर हैज हैव है वहां पर हमने क्या यूज कर दिया हैड यूज कर दिया, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट यहां पर हम इसको कर देंगे। इसके बाद आता है रूल नंबर फोर, और ये होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें सिंस या फोर प्लस टाइम होता है जो कि सेम रहता है दोनों तरफ, इसलिए हम इसको यहाँ पे नहीं शो कर रहे हैं। आगे आता है इसको चेंज किसमें करेंगे पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो जब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दोस्तों इसको चेंज करेंगे तो यहां पर दे रखा है देखो हैज हैव, और यहां पर कर देंगे बस हम हैड, तो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम दोनों में कॉमन रहता है इसलिए उसको हम यहाँ पे मेंशन नहीं करते। तो फ्रेंड्स इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट पास्ट का फर्स्ट, क्या आता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यदि स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने अभी अभी इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर देखा है, और इसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। यदि हम पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो अभी अभी हमने इसका भी स्ट्रक्चर यहां पर देखा था। नंबर दो पे आता है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यदि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी स्ट्रक्चर हमने लिख लिया था, और इसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब बारी आती है पास्ट परफेक्ट की। यदि पास्ट परफेक्ट की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसको भी हमने देख लिया था इससे पहले, और यहां पर हम लिखेंगे इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। किसमें इसको पास्ट परफेक्ट में ही रखेंगे, किसमें रखेंगे दोस्तों इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में ही रखेंगे। इसके बाद जो लास्ट इसका रहता है वो रहता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्या रहता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इसके बाद वाला हमारा रहता है, जिसको हम चेंज नहीं करेंगे और इसको भी हम ऐसे ही रखेंगे एज इट इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ऐसे के ऐसे ही हम इसको रखेंगे। क्या रखेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम इसको ऐसे के ऐसे ही रखेंगे। अब बात करते हैं फ्यूचर की। यदि फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में फ्रेंड्स दो ही चीज होती है विल और शैल, यही आपकी हेल्पिंग वर्ब है। आप कोई से भी फ्यूचर में घूम जाए फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर कंटिन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस किसी भी टेंस में आप घूम जाए वहां पर आपको विल और शैल ही मिलेगा, बस इनके साथ कहीं बी लग जाता है कहीं हैव बीन लग जाता है वही आपको इसमें दिखेगा। तो बस हमें क्या करना है विल और जो शैल होता है विल और जो शैल होता है विल का क्या कर देंगे हम वुड कर देंगे और शैल का हम शुड कर देंगे।
बस इतना सा इसमें हमें काम करना है, विल का वुड और शैल का शुड हम इसमें कर देंगे। दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रूल नंबर यदि फोर की बात करते हैं वो है प्रनाउन टेबल। क्या हमारा प्रनाउन टेबल। यदि प्रनाउन टेबल की बात करते हैं तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है जिसका आप हर जगह यूज करेंगे। बात करते हैं पैसिव वॉइस में तो हम प्रनाउन टेबल का यूज करेंगे, इनडायरेक्ट बनाते समय हम प्रनाउन टेबल का यूज करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब कौन कोड में हम प्रनाउन टेबल का यूज करेंगे, पता नहीं कितनी जगह हमें इसका यूज करना पड़ता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझने की कोशिश करना, याद करने की कोशिश करना, बहुत ही सिंपल है। तो जो हमारे प्रनाउन होता है पर्सनल प्रनाउन वाली एक टेबल है, और पर्सनल प्रनाउन हमारे तीन प्रकार, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट पर्सन, ये है फर्स्ट पर्सन के प्रनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रनाउन। अब आता है हमारा सेकंड पर्सन प्रनाउन, अब आता है थर्ड पर्सन प्रनाउन। बिल्कुल सिंपल है, इसको बनाना कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है, बस ध्यान से देखिए दोस्तों और समझने की कोशिश करते रहिए। अब आता है हमारा सब्जेक्ट, आता है ऑब्जेक्ट, और एक आता है हमारा पोजेसिव केस। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोजेसिव केस। यदि फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट की बात करें तो फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट हमारे दो होते हैं, एक होता है आई, एक होता है वी। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, इसका पोजेसिव होता है हमारा माई, और एक होता है हमारा माई। इनमें क्या फर्क है इनको हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। वी का होता है अस, इसका होता है आवर, और ये होता है हमारा आवर्स। अब आते हैं हमारा सेकंड पर्सन का प्रनाउन, एक होता है हमारा यू, फिर होता है हमारा योर, और फिर होता है हमारा योर्स, और एक होता है हमारा योर्स। ऑब्जेक्ट हमारे यू होता है, पोजेसिव योर होता है, और एक होता है हमारा योर्स। ये दो दो कैसे होता है, ये काम की चीज है, बाद में समझेंगे कहां पर काम करता है, कहां पर इनका यूज है वो भी समझेंगे। थर्ड पर्सन प्रनाउन की बात करते हैं तो ही, सी, इट और दे। ही की बात करते हैं, इसका ऑब्जेक्ट हिम होता है, इसका पोजीशन हिज होता है। क्या होता है, हिज। सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, इसका पोजीशन हर होता है, और एक होता है आपका हर्स। इट का इट होता है, इट्स होता है, और इसका इट्स जाता है। दे का देम, इसके बाद क्या आता है, देयर, और फिर क्या आता है आपका, देयर्स आता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप नोट करने की कोशिश करें, इसका एक स्क्रीनशॉट आप। तो रूल नंबर फाइव, चेंज इन प्रनाउन, चेंज इन प्रनाउन, प्रनाउन में चेंज कैसे करें इसको समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसी पे ही आपका सारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट टिका हुआ है। अगर ये समझ में आ गया तो सब कुछ क्लियर, नहीं आया तो फिर कुछ क्लियर नहीं है, और बिल्कुल समझ में आएगा ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है। बात करते हैं फर्स्ट रूल, इसका क्या कहता है, इसका फर्स्ट रूल का, इसमें तीन रूल है। फर्स्ट रूल कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के प्रनाउन, यदि रिपोर्टेड स्पीच के प्रनाउन फर्स्ट पर्सन के हैं, किसके हैं दोस्तों, फर्स्ट पर्सन के हैं, तो इनको किसके साथ, इनको रिपोर्टिंग, तो इनको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ चेंज करें। किसके साथ चेंज करें, इनको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ। चलो समझते हैं, इसने कहा ये हमारा है रिपोर्टेड स्पीच। यदि इस रिपोर्टेड स्पीच में जहां पर भी आपको प्रनाउन दिखाई दे, जहां कहीं भी आपको प्रनाउन दिखाई दे इस रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसके प्रनाउन को हम इस रिपोर्टिंग वर्ब के जो ये सब्जेक्ट है, इस वाले सब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे हमेशा। कौन से प्रनाउन, फर्स्ट पर्सन के। बात करते हैं सेकंड रूल की, तो सेकंड क्या कहता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच के प्रनाउन सेकंड पर्सन के हैं, तो इनको किसके साथ, इनको चेंज करेंगे फ्रेंड्स रिपोर्टिंग
वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करें। किसके साथ चेंज करें? ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करें। कैसे भाई? अगर ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच है और इसमें सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आपको मिल जाता है तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के जो ये ऑब्जेक्ट है इसके साथ चेंज करते हैं और ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अब बात करते हैं थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर पे क्या आता है कि जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, क्या होते हैं आपके थर्ड पर्सन के प्रोनाउन जो होते हैं, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में नो चेंज। अब इसमें नो चेंज क्यों, ऐसा क्यों कि कहने लगे कि भाई बताओ इसमें चेंज कर दिया, इसमें चेंज नहीं किया? तो सुन लो भाई, इसलिए किया क्योंकि हमारे पास एक सेंटेंस में दो ही चीजें होती है, इधर सब्जेक्ट होता है, इधर ऑब्जेक्ट होता है, तीसरी चीज उसमें होती नहीं। सब्जेक्ट के साथ तो बदल गया फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट के साथ बदल गया सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। अब क्या बचा हमारे पास? कुछ भी नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा तो फिर क्या, थर्ड पर्सन का किसके साथ चेंज होगा? किसी के साथ भी चेंज नहीं होगा, इसलिए थर्ड पर्सन का प्रोनाउन चेंज नहीं होता। अब बात करते हैं इसका एक छोटा सा रूल भी हम समझ लेते हैं जिससे कि आप इस शॉर्टकट तरीके से इनको तीनों को याद रख सकते हैं। जो ये वन लिखा है, ये वन है आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। क्या है आपका ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में। किसमें है? रिपोर्टेड स्पीच में। यह है आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन, किसमें? यह भी रिपोर्टेड स्पीच में है, रिपोर्टेड स्पीच। और यह क्या है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन, यह भी किसका है? पर्सन प्रोनाउन, यह भी आपका रिपोर्टेड स्पीच का, ये भी है रिपोर्टेड स्पीच का। ये क्या है तुम्हारा? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है हमारा? ये है नो चेंज। क्या है हमारा? नो चेंज। अब जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होता है, जैसा कि हमने यहां पर लिखा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन के है तो इनको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ चेंज करते हैं। देखो, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन के है तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ चेंज कर रहे हैं। ऐसे ही यदि हमारे रिपोर्टिंग वर्ब वो रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन सेकंड पर्सन के है तो इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के साथ चेंज कर रहे हैं और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता। तो फ्रेंड्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे समझने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों, और इसका सिक्स नंबर का जो रूल आता है वो आता है आपका चेंज इन वर्ड्स। चेंज इन वर्ड्स, चेंज इन वर्ड्स की बात करते हैं तो एक साइड में हम लिखते हैं वर्ड्स, वर्ड, चेंज इन वर्ड, चेंज इन वर्ड। पहला क्या आता है? वर्ड एक्सप्रेसिंग नियरनेस, नियरनेस इन डायरेक्ट स्पीच वर्ड्स, वर्ड एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। अगर फ्रेंड्स यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। इससे हमें एनकरेजमेंट मिलेगा, उत्साह मिलेगा, हमारे जील और जेस्ट से हम आपको और भी वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आइए दोस्तों आगे समझते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच और ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। तो पहला वर्ड आता है हमारा दिस, फिर आता है हमारा हियर, हियर के बाद आता है हमारा दिस, दिस के बाद यदि बात करें नाउ, नाउ के बाद आता है देन, देन के बाद आता है टुडे, टुडे के बाद आता है टुनाइट। ठीक है, इस दिस को हम चेंज करेंगे किसमें? डेट में। हियर को चेंज करेंगे हम देयर में, दिस को चेंज करेंगे हम दोज में, नाउ को देन में, और देन तो होता नहीं है भाई, नाउ को देन में, और यहां पर होता है जस्ट, जस्ट को चेंज करेंगे हम देन में। नाउ और जस्ट दोनों देन में चेंज होता है। टुडे को हम चेंज करेंगे डेट
डे में। और यदि बात करते हैं टुनाइट की, तो टुनाइट को चेंज करेंगे हम डैट नाइट में। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं अब यस्टरडे की। यस्टरडे, यस्टरडे का होता है द प्रीवियस डे। बात करते हैं लास्ट नाइट, ईयर, वीक, मंथ, जो भी कुछ लास्ट के साथ जुड़ा मिलेगा, जो भी लास्ट के साथ जुड़ा मिलेगा उसको हम चेंज कर देंगे किसमें। लास्ट को हम चेंज किसमें करते हैं, द प्रीवियस, द प्रीवियस। और प्रीवियस के बाद क्या आएगा आपका, नाइट। नाइट के बाद जो भी कुछ दे रखा है आपका, ईयर दे रखा है ईयर, वीक दे रखा है वीक, और मंथ दे रखा है तो मंथ। इसके बाद आ जाता है टुमोरो। टुमोरो की यदि हम बात करते हैं तो टुमोरो को लिखते हैं हम द नेक्स्ट डे में। और इस नेक्स्ट डे को किस में चेंज करेंगे, तो जो द नेक्स्ट डे होता है उसको चेंज करते हैं हम द फॉलोविंग डे में। किस में चेंज करते हैं हम इसको, द फॉलोविंग डे में हम इसको चेंज करते हैं। एगो को बिफोर में चेंज करते हैं, एगो को चेंज करते हैं हम दोस्तों बिफोर में चेंज करते हैं। और हैंस का देंस हो जाता है, हैंस देंस। और ये आपके जो चेंज इन वर्ड्स है वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट, नोट की यदि हम बात समझने की कोशिश करते हैं तो पहला नोट क्या कहता है। पहला नोट ये कहता है डायरेक्ट स्पीच में, किसमें, डायरेक्ट स्पीच में। क्या कहता है नोट हमारा, नोट हमारा कहता है डायरेक्ट स्पीच में यदि यदि दिस हियर नाउ। क्या कहा हमने, यदि डायरेक्ट स्पीच में दिस हियर और नाउ किसी ऐसी वस्तु, क्या कहा हमने, किसी ऐसी वस्तु, वस्तु की तरफ कौन, दिस बात करेगा वस्तु की, वस्तु के बाद स्थान, स्थान बात करेगा हियर के बारे में, हियर किसके बारे में, स्थान। और यहां पर क्या बात करते हैं, समय, समय किसके बारे में बताएगा, समय, समय के बारे में बताएगा नाउ। क्या कहा इसने, समय की ओर संकेत करते हो, किसकी की ओर, की ओर संकेत करते हो। जब ये किसी और संकेत करेंगे, और जो बोलते समय क्या बात कर रहे हैं, जो जब हम बोलेंगे, जो बोलते समय जो हमारा स्पीकर होता है, क्या होता है स्पीकर, स्पीकर जैसे कि मैं क्या हूं, एक स्पीकर हूं, आप सबके सामने बोल के बातों को बता रहा है, तो मैं भी तो एक स्पीकर ही हूं। जो बोलते हैं स्पीकर के सामने हो, क्या हो, स्पीकर के सामने हो, तो इनमें इनको नहीं बदलते, इनको बदलते नहीं है भाई, इनको नहीं बदलते, बिल्कुल नहीं बदलते। अगला रूल, एक और नोट देख लेते हैं। अगर यदि एक साथ दो काम हो, दो एक्शन हो, या कह सकते हैं दो काम, काम को हमने लिख दिया एक्शन, यदि एक साथ दो एक्शन हो, दोनों ही एक्शन किस में हो, पास्ट में हो, दो काम एक साथ हो, यदि एक साथ दो काम, एक साथ दो काम दो एक्शन हो और दोनों पास्ट में हो, और दोनों पास्ट में हो, किस में हो, पास्ट में हो, तो क्या करेंगे, तो इनमें चेंज नहीं करते। यहां पर आपके ये बेसिक रूल जो है खत्म होते हैं। इसके बाद में कुछ और रूल्स है जो इंडिविजुअल्स रूल होते हैं, किसके, सेंटेंस के। जैसे अब हम पता करते हैं कि ये कितने सेंटेंस के हमारे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाए जाते हैं। यदि सेंटेंस की हम बात करें, सेंटेंस आपके पांच होते हैं, काइंड पांच होता है, और उसके
पार्ट दो होता है, पार्ट यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, इसको बाद में समझेंगे, अभी समझ लेते हैं कि काइंड कितने होता है, पांच होता है, कौन कौन से उसको समझते हैं, उन्हीं पांच का हमें यहां पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना पड़ता है। तो पहला आता है हमारा एजर्टिव, एजर्टिव सेंटेंस, एजर्टिव सेंटेंस के बाद सेकेंड आता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस के बाद तीसरा आता है हमारा इंपैरेटिव सेंटेंस, फिर आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसके बाद आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, ये आपके पांच सेंटेंस होते हैं जो हमें क्या करने, इन्हीं पांच सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हमें करना पड़ेगा, और ये सभी इन्हीं कंसेप्ट से हो पाएंगे। सबसे पहले इनके हम पहले इसको सीखेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, इसके अपने दो से तीन रूल होते हैं, इसके दो से तीन होते हैं, इसके दो से तीन, इसके भी दो से तीन, उन सबको साथ के साथ हम कवर करते चलेंगे, और कुछ एक आधा जो बच गया उसको मैं साथ के साथ आपको आपके साथ शेयर करता चलूंगा। अब दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, ओके बाय।